नारायण साईं भक्तों को झूमते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओम 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 ओम। ये जो ओमकार का मंत्र है वो किसी ने बनाया नहीं है। नारायण साईं प्रवचन देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नारायण साईं का ये रंग भी आंखों से ओझल हो गया है। ये सब कुछ नजर आए भी तो कैसे, क्योंकि नारायण साईं तो खुद ही भागते हुए नजर आ रहे हैं। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आसाराम तो पहले ही सलाखों के पीछे हैं, और अब बेटे नारायण साईं पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सूरत पुलिस को आशंका है कि आसाराम का सुपुत्र नारायण साईं विदेश भाग सकता है, और इसीलिए पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। वजह भी जान लीजिए। ताजा मामला रविवार का है। रविवार को नारायण साईं और आसाराम के खिलाफ दो बहनों ने बलात्कार का आरोप लगाया है। FIR के मुताबिक बड़ी बहन का बलात्कार आसाराम ने और छोटी बहन के साथ बेटे नारायण साईं ने बलात्कार किया। FIR में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती पर आसाराम की मदद करने का आरोप है। पुलिस ने पत्नी और बेटी के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। ये प्रिकॉशनरी मेजर है। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई आरोपी लगता है कि उनकी सामर्थ्य है बाहर जाने की, तो हम लोग नॉर्मल कोर्स में इमिग्रेशन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते हैं कि उनको बाहर जाने नहीं दिया जाए। आसाराम पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली 33 साल की बड़ी बहन करीब 10 साल तक आसाराम के आश्रम में एक साधक के रूप में रही थी। 2007 में आश्रम छोड़ने से पहले वो आसाराम की आयुर्वेद शाला में दवा बनाने का काम करती थी। जो दो बहनें उसमें से बड़ी बहन ने जो अपनी शिकायत दर्ज की है उसमें ये कहा है कि वर्ष 2001 से 2007 के बीच यह जो अहमदाबाद में आसाराम की जो गतिविधियों का केंद्र है यानी ये मोटेरा आश्रम, वहां पर उसके साथ खुद आसाराम ने बलात्कार किया कई दफा, जिसमें कि आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती ने मदद की। वहीं नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली छोटी बहन की उम्र करीब 30 साल है। वह 2002 से लेकर 2004 के बीच आसाराम आश्रम में साधक के तौर पर जुड़ी रही। 2004 में उसने आश्रम छोड़ दिया। आरोप है कि इन दोनों बहनों का आश्रम में यौन शोषण होता रहा। अभी ये फिक्स नहीं हो पाया कि उस वक्त उनकी एज क्या थी। इसका इन्वेस्टिगेशन हमें करना पड़ेगा, एज फिक्स करनी पड़ेगी। अगर लड़की उस वक्त नाबालिग होगी तो डेफिनेटली जिस सेक्शन में हमें एक्शन लेना चाहिए IPC के, वो सारे सेक्शन अप्लाई होंगे, या कोई स्पेशल एक्ट उसके लिए है तो वो भी अप्लाई। रविवार को सूरत में नारायण साईं के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद से ही उनका कुछ अता पता नहीं है, और इसीलिए पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया ताकि नारायण साईं कानून को चकमा देकर भाग न सके। इस मसले पर सूरत पुलिस ने जोधपुर पुलिस से मदद मांगी है। हालांकि आसाराम के प्रवक्ता ने आरोपों को झूठा बताया है। देखिए, ये बहुत गहरी साजिश है। संत श्री आसाराम जी बापू और उनके पूरे परिवार को एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। घड़ी की बढ़ती सुइयों के साथ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पुलिस को नारायण साईं तक पहुंचने के लिए क्या वैसी ही मशक्कत करनी पड़ेगी जैसी आसाराम तक पहुंचने में करनी पड़ी थी। आसाराम की गिरफ्तारी में आधी रात को हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। अब पुलिस के लिए बेटे नारायण साईं नॉट रीचेबल हो गए हैं। अब देखिए क्या होता है। नारायण साईं जांच में सहयोग के लिए खुद हाजिर होते हैं या फिर पुलिस को उन तक पहुंचने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं।